जाओ इसे। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं भी इस फौजी से कुछ सवालात पूछ सकता हूं? मर्जी है तुम्हारी। कैप्टन कागान के बारे में अब तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हो सकी हमें। ये भी नहीं पता कि कागान को कहां लेकर गए हैं वो लोग। हम तो ये भी नहीं जानते कि कैप्टन कागान जिंदा भी है या शहीद हो चुका है। सर, डर ये है कि वो कागान को अंदरूनी इलाकों में न ले जाएं, कहीं ऐसा ना हम वक्त जाया कर दें। कर्नल, समझने की कोशिश करो, हम दोबारा उस इलाके में जवानों को भेजने का रिस्क नहीं ले सकते जब तक ये तस्दीक नहीं हो जाती कि कागान जिंदा है। सर, हम पूरी उम्मीद है। कैसे पूरी उम्मीद हो तुम? सर्जेंट सलजूक ने जो मालूमात हमें लाकर दी हैं, उसके मुताबिक कप्तान ने जवानों को महदूद गोला बारूद दिया जो ताखीर का बाइस बना, और इसी वजह से वो सरहद उबूर कर पाए। कैप्टन कागान के शहीद होने के इम्कानात कम और जिंदा होने के ज्यादा हैं। सुनो कर्नल। सर, दहशतगर्द प्रोपेगेंडे के लिए हर तदबीर इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए स्पेशल फोर्सेस के अफसर को मारना नहीं, जिंदा रखना जरूरी है। सर, आप खुद अंदाजा लगाएं कागान को मारकर आखिर उन्हें क्या मिलेगा। स्ट्रेटजी तो यही लगती है उनकी। तुम्हारी बात ठीक है कर्नल, लेकिन जब तक कागान की कोई इत्तला नहीं मिल जाती मैं तुम्हें ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ सर, हम अपने अंदाजे के बलबूते पर इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये बहुत रिस्की होगा। राब्ते में रहना। कर्नल साहब आ रहे हैं। ठीक है सर, राब्ते में रहूंगा। अटेंशन, एमरे, हम कैप्टन को लेने क्यों नहीं जा रहे आखिर? आखिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं सर? ये सरहद का मामला है। आप जानते हैं कि जब मामला सरहद के पार का हो तो 100 बार सोचना पड़ता है। मैं जानता हूं सर, लेकिन ये सरहद सिर्फ हमारे लिए है। वो लोग जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें 100 बार सोचना पड़ता है। हमारे कैप्टन उनके कब्जे में है और हम यहाँ बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं। वालिब, आराम से। ठीक है जवानों, आपने कमांडर का चेहरा देखा है, उन्हें हमसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। हमें अपने आप पर काबू रखना होगा। उन्होंने मुझे जाने का हुक्म दिया था सर। जब मैं आया बतूर के साथ वहां से निकला तो वहां मुझे खतरे की बू महसूस हुई, जहां कैप्टन कागान ने पनाह ली हुई थी। पूरी टीम इस मामले पर बात नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। ये ऑर्डर है, समझ गए? यस सर, समझ गए हम। सबसे कह रहा हूं मैं। जी सर, समझ गए। हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम वो करते हैं जो जरूरी होता है। फिलहाल हम सबको इंतजार करना होगा, और जब हमें कुछ करने का मौका मिलेगा तो देखना, हम सब अपनी जान की परवाह किए बगैर मकसद हासिल करके रहेंगे। जी बिल्कुल सर। चलो, अब मैं चाहता हूँ सब नॉर्मल हो जाए, सब अपने अपने कामों में लग जाएं। इलियास खालिब, मेरे साथ आओ। यस सर। चलो। जितना टॉर्चर कर लो ये आदमी बोलता ही नहीं है। बहुत अच्छा है, अच्छा है। चलो अब अपना नाम और रैंक बताओ हमें। कागान बुसक, फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस। रैंक नहीं बताया तुमने, चालाक बनते हो। चलो अब जल्दी से अपना रैंक भी बताओ हमें, ताकि हमारे लिए सौदेबाजी करना आसान हो। तुम्हें क्या लगा हमारे पास अकल नहीं है? अब मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सवाल हैं, और अब तुम इनके जवाब मुझे फौरन दोगे। पहला ये कि शाम में तुम लोगों का क्या मंसूबा है, दूसरा ये कि यहया बतूर को इस वक्त तुम लोग कहां ले जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फौज को तुम्हारी परवाह है?
नहीं कैप्टन, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम सिर्फ मोहरा हो, कुर्बानी देने वाला एक मोहरा, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने ही फौजी अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं। तुम्हें भी उन जैसा बनना है तो फिर चलो, ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। देखो कितना ख्याल है मुझे। हाँ, अगर कहीं तुम मर गए तो वो कहेंगे हमारा एक फौजी शहीद हो गया। उनके लिए ये मामूली बात है। अबू शाम सिर्फ गर्दन काटता है। अबू शाम की समझ में जान लेने के सिवा कोई बात आती ही नहीं। कौन हो तुम? मैं? अच्छा सवाल किया तुमने, अपना तारुफ तो करवाना ही भूल गया। सब लोग मुझे रेड कहते हैं। मेरा काम है अधूरे कामों को पूरा करना। क्या कहते हो कैप्टन? हाँ, बंदूक, जंग, हर तरफ खून, ये सब खत्म हो सकता है। अब देखना यह है कि तुम और तुम्हारी हुकूमत कितनी संजीदा है। हाँ तो कैप्टन, तुम क्या कहते हो? कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ तो फिर अब भी मुहज्जब इंसानों की तरह बातचीत हो सकती है। तुम्हारे पास अब भी मौका है। मुहज्जब हो तुम क्या? इंसान हो तुम क्या? लानत हो उन सब पे जो मुहज्जब कहते हैं तुम्हें। चलो, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। बेटा, शेव करना बहुत अहम है। तुमने देखा होगा सिपाही रिटायरमेंट के बाद भी शेव करता है, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। एक फौजी को ऐसा ही होना चाहिए। अब से हमेशा तुम ऐसे ही रहना। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हो ना। याद है कर्नल तुमसे मिलने आए थे? क्या पता कोई दूसरा अफसर मिलने आ जाए। एक फौजी को बुरे हाल में नहीं रहना चाहिए, हर वक्त उसे तैयार रहना चाहिए, कभी भी कोई मिलने आ सकता है। बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात? वरना लोग क्या सोचेंगे कि लेफ्टिनेंट ने हार मान ली। मेरा बेटा हालात से हारने वालों में नहीं है। बाबा। हाँ, क्या आप समझते हैं मैं अभी फौज में हूं? ये मत करो। क्यों ना करूं मैं? हाँ, कल रात आपने मेरे पैर देखे थे, कोयले की तरह स्याह थे वो सरदार। ठंड से जम गए थे वो। क्यों? क्योंकि बाबा मैं नंगे पैर सड़कों पर था। मैं तो ठीक से जानता भी नहीं कि आखिर मैं हूं कौन। बस करो। और यहां आप मुझे शेफ के बारे में ऐसे बता रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप कह रहे हैं मुझे शेफ करना चाहिए और कल रात मैं सड़कों पर नंगे पांव भाग रहा था, और वो भी अस्पताल के इन कपड़ों। भूल जाओ बेटा। मैं शर्मिंदा हूँ बाबा, इज्जत के काबिल नहीं हूँ मैं। चुप हो बाबा, जाओ। प्लीज, मैं चुप नहीं रह सकता। अब इन तमाम बातों को जाने दीजिए बाबा। बस, चलिए हम वापस गांव चलते हैं। रुको। मैं अब कुछ नहीं करना चाहता। जानवरों की देखभाल करूंगा, हल चलाऊंगा खेतों में। अब रहने दीजिए बाबा। अब मुझे हरगिज नौकरी, तनख्वाह, किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तो मैं बाबा फौज में भी नहीं जाना। चुप
चुप हो जाओ, चुप बिल्कुल। जानते हो ना, तुम्हारा बाप अनपढ़ है, मैं तो तालीम हासिल नहीं कर सका, लेकिन तुम्हें पढ़ाया मैंने, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक फौजी अफसर बने। तुम्हारी माँ अपनी ख्वाहिशात का कत्ल करके तुम्हें पढ़ाती थी, एक पाई खर्च नहीं की खुद पे, और जब तुम लेफ्टिनेंट बने तो हम दोनों को ऐसा लगा कि हर ख्वाहिश पूरी हो गई हमारी, और यूं लगा कि जैसे हमारे सारे ख्वाब सच हो गए हो। और तुम कह रहे हो कि अब तुम फौजी नहीं रहे, गांव जाके खेती बाड़ी करोगे अब से तुम। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने बेटा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हालात से फरार होना हमने नहीं सिखाया था तुम्हें, समझे तुम? सरदार, तुम्हें खुद को हर हाल में संभालना होगा बेटा। देखो मेरे बच्चे, तुम एक बहादुर फौजी हो, फौजी घबराते नहीं हैं, बल्कि हालात का डटकर मुकाबला करते हैं। तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है बेटा, ताकि तुम अपने इस मुल्क की हिफाजत कर सको। तुम्हें हर हाल में अपना फर्ज अदा करना होगा सरदार। मेरा बेटा एक बहुत बहादुर सिपाही है, हार नहीं सकता, आखिरी वक्त तक लड़ोगे तुम, और मां बाप का नाम रोशन करोगे, है ना? ठीक है बाबा। क्या हालत कर दी उन्होंने आपकी, उठे सर, ये क्या किया है उन लोगों ने आपके साथ? दुर्गत पर बाजू बहुत जख्मी है, ये क्या हाल कर दिया उन्होंने सर? कागान सर, अल्लाह तुम जालिमों को नेस्तो नाबूद करे, जानवर हो तुम सब जानवर, इतनी अजियत क्यों दे रहे हो हमें, बस एक गोली हमारे सर पे मार दो। ये लोग हमें मार क्यों नहीं देते, क्यों जिंदा रखा है, रोज रोज की तकलीफ से अच्छा है एक ही दफा जान ले ले। आओ आओ मारो मुझे, आओ जान से मार दो मुझे, मारो और मारो। ये लीजिए, फोन दो मुझे। वो नहीं बेवकूफ, सैटेलाइट फोन। आप अभी मुझे मोबाइल फोन दे रहे हैं, सारा शहर हमारे पीछे है। ये लीजिए। क्या वो वाला फोन बंद नहीं है? बेफिक्र रहें, बंद है फोन। मुझे साइक्लॉप से थोड़ी देर बात करने दो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? इसे मुझसे दूर करो। इसने हमें मुश्किल में डाल दिया है, और सीखें वो इसे कैसे संभालेगा। होशियार हो जाओ। क्या करें? तुम दरवाजे पे जाओ, तुम दूसरे कमरे में देखो।
चलो ठीक है, मुकम्मल खामोशी, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों ने चौकस रहना है। हाँ दोस्त, क्या सूरत हाल है? चीजें बेकाबू हैं और हम अपनी जगह तब्दील करने के भी काबिल नहीं हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। कप्तान की तरफ से कोई खबर? क्या हुआ उसका? हाँ, वो जल्द आएंगे, वो मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो साइक्लोप्स, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे, याद रखना। कहा ना भरोसा रखो मुझ पर, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा दोबारा। ठीक है ठीक है। लालची मक्कार, तुम जैसे बहुत से कमीने देखे हैं मैंने, वो वक्त और नहीं कि जब तुम मुझसे भीख मांगोगे, और मुझे सुकून का सांस उस वक्त मिलेगा जब मैं तुम्हें यहां से बेदखल करके शुमाली इराक भेज दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, बस चाय पी रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा कि चाय का वक्फा लिया है तुम लोगों ने? आपा क्या हुआ? कहते हैं चाय पी के शुरू करेंगे काम, घर की हालत देखिए बेटा, पूरे घर की हालत कितनी तबाह कौन है, कितना काम बाकी हो, तुम लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हो। आपा उन्हें चाय तो मैंने खुद दी है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? अम्मी अब क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप इन पर? कैसे पुरसकून रह सकती हूँ मैं यिल्दिज़, पूरा घर सुराखों से भरा पड़ा है, अगर तुम्हारा भाई आ गया तो हम उसको क्या जवाब देंगे कि क्यों है सुराख? वो अपनी बंदूक लेकर चला जाएगा, मैं कागान को जानती हूँ, वो पागल हो जाएगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, अगर वो यहाँ आकर इन गोलियों के निशाना देखेगा तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ नहीं मालूम वो क्या करेगा, आग की राह में कूद पड़ेगा, जिसकी मंजिल मुझे नहीं मालूम। वो इतना ही बेखौफ है जो खतरों से कभी नहीं घबराता। डर लगता है मुझे, बहुत खौफ आता है खदीजा। देखो बच्चों, मेरी बात को समझो, मेरी परेशानी बेजा नहीं, अल्लाह मुझे बरकतें अता फरमाए, मैं खुद आपको चाय बना के दे सकती हूँ, खाना भी खिला सकती हूँ, लेकिन खुदारा इन सुराखों को भर दे इन सुराखों को, ताकि जब मेरा बेटा वापस आए तो इन सुराखों को ना देखे। आप उस कातिल के जुल्म का हर निशान मिटा दे। अम्मी की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। सच कहूं तो कागान की अम्मी के लिए बहुत परेशान हूं मैं। जिनके बच्चे फौज में हुआ करते हैं वो माएं और क्या करें, वो रोज इसी डर के साथ जीती हैं कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए, बेटे की जिंदगी की दुआ करती हैं रोज। इतना डर गई थी कि उन्होंने तुम्हें अपनी ज्वेलरी तक ला के दे दी थी, और कागान को ये पता भी नहीं। तुमने उन्हें वो ज्वेलरी वापस कर दी? हाँ वापस कर दिए। इस पेशे का इंतखाब क्यों करेगा कोई, अपनी खुशी से रोज मौत का सामना क्यों करेगा, अपने प्यारों को रोज ये तकलीफ कैसे दे सकता है? कुछ लोग वाकई इतने बहादुर होते हैं, हम भी हैं, लेकिन हम उनकी तरह सामने नहीं आते। मेरी जॉब भी किसी एडवेंचर से कम थोड़ी है, ये अलग बात है कि मेरे हाथ में बंदूक नहीं होती, मेरे अंदर भी एक फौजी छुपा हुआ है। वैसे तुम्हें याद है कि तुम अपनी जिंदगी में आखिरी दफा कब संजीदा हुई थी? हाँ, जिस रंग का चश्मा लोग अपनी आंखों पर लगाकर घूमते हैं, दुनिया उन्हें उसी रंग की नजर आती है। लो पहुंच गए, मिलते हैं फिर। यहां तक ड्रॉप करने का बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरे पास कल के थिएटर के टिकट्स हैं, कोई बहाना मत करना अब। नहीं करूंगी इस बार बहाना तलाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जान पर खेलना आसान नहीं होता। क्या कहा? इन मोहतरमा ने अपने एडवेंचर का जिक्र किया और अपनी नौकरी के बारे में बताया, एडवेंचर का उनको क्या पता। मैंने अपनी फौजी सर्विस में बहुत कुछ देखा है, मैं कैप्टन कागान को अच्छी तरह जानता हूं। एक दिन हमारे काफिले पर हमला हुआ, उस वक्त ट्रक में था मैं, मेरा मतलब कि वहाँ किचन में प्याज काट रहा था मैं। हम ट्रक में मौजूद किचन में खाना बना रहे थे, मगर ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं। मैंने राइफल उठाई और इधर उधर फायरिंग करना शुरू कर दी।
मैं सर से पैर तक कांप रहा था, यकीन करे पसीने से मेरी हथेलियां गीली हो गई। मेरे दिल जिस्म से बाहर निकलने को तैयार था। खुदा का शुक्र है उस हमले में मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथियों में से एक अपनी जान गंवा बैठा। दो जख्मी हुए जिनकी हालत बहुत खराब थी, एक ही टांग काटनी पड़ी, दूसरे का हाथ। फिर पता चला जिसकी टांग कटी फुटबॉलर था, जिस पैर से उसे गोल करना था वो उसी से महरूम हो गया। जंग में ऐसा ही होता है, हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई देती है, गोली किसे कहां लग जाए कुछ नहीं पता होता। मेरी सर्विस का वक्त खत्म हो गया और मुझे छुट्टी दे दी गई। घर वापस आया तो हर रात उन ख्वाबों से परेशान होता रहा। मैं कई बार आधी रात को उठकर बैठ जाता और सोचता कि मैं तो कितने कम वक्त के लिए था, वो फौजी जो हर वक्त बॉर्डर पे रहते उनका क्या। मेरा तजुर्बा तो बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन कुबलाए, ये सब सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। ये सब पहले क्यों नहीं बताया तुमने? फौजी की जिंदगी ऐसी ही होती है, ये आपको बताने वाली बात नहीं थी। अपने मुल्क के लिए जो जान पर खेलते हैं हमेशा खामोश रहते हैं। ये शान और शोहरत, पैसा, ये सब उनकी इन खिदमात के आगे कोई मानी नहीं रखते। माफ कीजिएगा मैडम, मेरी वजह से आपको मीटिंग में पहुंचने में ताखीर होगी, माफी चाहता हूं। मैं स्पेशल फोर्सेस से जाहिद कागान बुजुर्ग। जाहिद कागान बुजुर्ग, जाहिद नाम का कोई आदमी हमारी फैमिली में नहीं, अगर होता तो बता देते। उसने अपने नाम के साथ दूसरा नाम क्यों इस्तेमाल किया? आखिर जाहिद कागान का क्या मतलब है? किसी कैद में मर जाएंगे हम, क्या हमारे लोग हमें यूं ही छोड़ देंगे? किसी से उम्मीदें मत लगाओ, यहाँ कानून है, इंसाफ है, क्योंकि ये तुर्की है लेकिन वो जगह तुर्की नहीं है। जब सूरज तुलू होगा तब अपनी तेज धार तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा।